एवरीवन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रोडक्शन सेवेंथ ऑफ नवंबर 2020 अगर आप एग्जाम देने वाले हैं सेवेंथ ऑफ नवंबर 2020 सो so ये प्रोडक्शन आपके लिए हो सकती है हो सकता है देखिए प्रोडक्शन आपके लिए बिल्कुल ठीक हो और हो सकता है कि पूरी प्रोडक्शन ठीक ना हो लेकिन कुछ आपके लिए हेल्पफुल जरूर हो सकती है क्योंकि प्रोडक्शन जो है इट्स ऑलवेज प्रोडक्शन सो लेट्स सी In listening part one, it's going to be fill in the blanks and it's going to be easy. सो so, लिसनिंग में आपको बता दूं अगर आपका लिसनिंग में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है अभी भी आपके पास अच्छा टाइम है पॉडकास्ट को सुनने की ज़रूर कोशिश करें इसके अलावा इंग्लिश चैनल्स आप सुन सकते हैं बीबीसी न्यूज़ आप सुन सकते हैं सीएनएन चैनल आप सुन सकते हैं और एक दिन में कम से कम तीन से चार लिसनिंग करने की ज़रूर कोशिश करें पार्ट टू इट्स कन अभी एम एंड इट्स कन अभी मॉडरेट मॉडरेट हो सकता है डिफ़िकल्ट हो सकता है और एक चीज़ और है कि Uh, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर थर्टी प्लस है उनके लिए हो सकता है इट्स कन अभी ईजी लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए ये मॉडरेट हो सकती है सो पार्ट थ्री इट्स कैन अभी लार्ज एम सी क्यूज मैच द इन्फॉर्मेशन इट्स कैन अभी ईजी टू मॉडरेट सो पार्ट फोर फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग की तैयारी करने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका आपको बता दूँ जिस टाइप में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है या आती है सबसे ज़्यादा उस टाइप को करने की कोशिश करें नेक्स्ट रीडिंग रीडिंग में पैसेज वन इट्स कैन अभी फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ये येस नो नॉट गिवन क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं सो इट्स कैन अभी ऑलमोस्ट ईजी पैसेज टू इट्स कैन अ लिस्ट ऑफ हैडिंगस ईजी टू मॉडरेट और पैसेज थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स ट और रीडिंग में तौर पर अगर आपको बता दू रीडिंग में भी अगर आपको जिस क्वेश्चन टाइप में जैसे मान के चलिए में क्वेश्चन टाइप देखें किसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है उसी क्वेश्चन टाइप को ज्यादा करने की कोशिश करें राइटिंग टास्क वन इट इट कैन बी पाई चार्ट मैपचार्ट लाइन ड्राफ्ट टास्क टू कैन बी अग्री और डिसअग्री और डिस्कस बोथ व्यूज़ टास्क टू के लिए और टास्क वन के लिए मैं आपको बता दूँ कि राइटिंग में अगर आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं अगर आप घर पर बैठ कर तैयारी कर रहे हैं सो so, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे ट्यूटर्स भी हैं जो आपका ऐसे चेक कर कर भी आपको बता सकते हैं पर ऐसे भी लोग ऐसे हैं टीचर्स ऐसे हैं जो चार्ज करते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपका लेवल क्या है क्या चीज़ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इफ़ यू आर गोइंग टू टेक एग्जाम ऑन दिस 7th ऑफ नवम्बर 2020 सो आई वेफिनेटली विश यू बेस्ट ऑफ लक डू वे